हाँ जी, तो अगर आप लोगों के CUET में कम मार्क्स है तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उन लोगों की कम मार्क्स है, तो इस पे मैंने 2-3 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अलग अलग क्राइटेरिया बताई है कि किसी में अगर आपके पास रिजर्वेशन है देन आपकी कम मार्क्स भी है तो आप लोगों के एडमिशन हो सकते हैं। फिर अगर आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आप लोगों की नाम नहीं आती है तो फिर आपको वेट करना है सेकेंड मेरिट लिस्ट का, थर्ड मेरिट लिस्ट का एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट का। एंड थर्ड जो मैंने बताई थी वीडियो में वो स्पॉट राउंड के बारे में बताई थी कि अगर आपके कम मार्क्स हैं एंड आपके चारों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाते हैं देन आप लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके मीन डायरेक्टली उसमें जाके पार्टिसिपेट कर लोगे। एंड उसमें पार्टिसिपेट करके आप लोगों के अगर कम मार्क्स भी हैं तो उसमें एडमिशन हो सकते हैं, बिकॉज जो स्पॉट राउंड की कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है कि कौन से स्टूडेंट जा रहे हैं। अगर किसी के कम मार्क्स हैं लाइक 200 वाले जा रहे हैं तो अगर आप लोगों के 210 हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड पहले आपको सीट अलॉट होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी एंड लास्ट में मैं ये भी बता देता चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो गई है एंड रिजेक्ट हो जाएगी भी क्योंकि बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी नहीं फुलफिल कर पाते हैं एंड बहुत सारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी ने दिए हैं उस सबको भी नहीं फुलफिल कर पाते हैं जिसके वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी क्राइटेरिया से ही बाहर हो जाएंगे एंड उसके बाद जो स्टूडेंट बचेंगे उन सब की मेरिट लिस्ट बनेगी, उन सब की मेरिट लिस्ट बनेगी और उन सब की मेरिट लिस्ट में नाम आएगी एंड देन वो सब अपनी सीट अलॉटमेंट एंड फी वगैरह पेमेंट करके एडमिशन ले रहे होंगे। एंड बहुत सारे बच्चे बाद में जब फी पेमेंट की डेट आती है तो उसमें नहीं कर पाते हैं तो उन सब की भी सीट कैंसिल हो जाती है तो वो भी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाती है। तो आप लोग एकदम लास्ट तक पार्टिसिपेट करते रहना, जब तक अगर आप लोग लास्ट तक पार्टिसिपेट करोगे देन चांसेस आर हाई कि अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होती है नेक्स्ट नाम आपका है तो देन आपको सीट अलॉट हो सकती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी एंड आप लोग लास्ट तक पार्टिसिपेट करोगे तो देन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोगों की एडमिशन हो जाएगी। एंड अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।